ओके स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 111 तक पढ़ लिया। आर्टिकल 111 में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेसिडेंट का वीटो पावर है ना। प्रेसिडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल 111 में हमने देखा था प्रेसिडेंट वीटो पावर, वीटो पूरी दुनिया में कितने टाइप के वीटो होते हैं, तो चार टाइप के। चार टाइप के वीटो कौन कौन से थे, निकल दें। चार टाइप के वीटो होते हैं पूरी दुनिया में, कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, करेक्ट, एब्सोल्यूट। दूसरा होता है सस्पेंडिव, सस्पेंडिव। तीसरा होता है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। और चौथा होता है पॉकेट, पॉकेट। ठीक है, क्या भारत में क्वालिफाइड वीटो है, तो नहीं, ये यूएसए में है। क्या भारत में एब्सोल्यूट वीटो है, नहीं, ये भी खत्म कर दिया गया है। अभी भारत में सिर्फ सस्पेंडिव और पॉकेट वीटो बचा था। इन सबकी चर्चा हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें किया था। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 112। ठीक है, आर्टिकल 112 मैं यहां लिखता हूँ 112। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट, या आम भाषा में हम कहें तो बजट की चर्चा है। पहले मैं लिख देता हूं एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट। इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बजट, बजट। देखो, अगर कोई पूछेगा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा, बजट होता क्या है, तो भाई बजट एक तरीके का ना भाषणबाजी होती है। अगर हम एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो एक तरीके की स्पीच होती है, स्पीच होती है, जिस स्पीच में गवर्नमेंट अपने साल भर के खर्चे, एक्सपेंस और आने वाले रेवेन्यू के बारे में बताती है, रेवेन्यू के बारे में बताती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो बजट है, अब मैं बजट बोलूंगा तो बजट का मतलब एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट को ही समझना, ठीक है, क्योंकि बजट बजट कई बार हम हमेशा यही सुनते रहते हैं, तो मैं बजट वर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा। तो जो बजट है, बजट को प्रेजेंट करने का जो अधिकार होता है ना, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। कि पार्लियामेंट में आकर के बजट के बारे में कोई बताएगा तो कौन बताएगा, प्रेसिडेंट। लेकिन जब बजट पेश होता है तो हम देखते हैं कि बजट के ऊपर चर्चा काफी लंबे समय तक, 2-3 घंटे तक चलते रहती है। ठीक है, उसमें जो भी फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब रहती है अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है, वो 2-3 घंटे तक कभी कभी बजट को बोलती रहती हैं, बताती रहती हैं कि सरकार क्या क्या काम करने वाली है, उसके लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद जब सरकार काम कर लेगी तो उससे कितना पैसा आएगा, यानी खर्चा, रेवेन्यू, सबके बारे में वो बताती रहती है। तो प्रेसिडेंट साहब सोचती हैं भाई इतने टाइम तक मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो इसलिए ये क्या कह देती है, प्रेसिडेंट कह देती है, मैं यहां लिखता हूँ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर को आदेश देती है कि आप बजट को पास करो। किसको कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, मान लो कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर न रहे तो क्या बजट पास ही नहीं होगा, नहीं, बजट पास होगा। प्रेसिडेंट जिसे नॉमिनेट करेंगी, ठीक है, प्रेसिडेंट जिसे नॉमिनेट करेंगी वो बजट को पास कर सकता है, नॉमिनेट,
ठीक है, नॉमिनेट। जैसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई जो रेल मंत्री है, रेल मिनिस्टर, आप जाकर के बजट को पास कर दीजिए, तो रेल मिनिस्टर भी बजट को पास कर देते हैं। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, वो बजट पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से मिलने क्यों जाती है, बजट पेश करने से पहले प्रेसिडेंट के पास क्यों जाती है या उनसे मिलने क्यों जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई बजट को पेश करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट की है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी वो जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगी, उनसे परमिशन लेंगी और बजट को लेकर के पार्लियामेंट में आएंगी और उसके बारे में बताएंगी कि इस बजट में हमारा रेवेन्यू कितना होने वाला है साल भर का और खर्चा कितना होने वाला है। ठीक है, इस बजट के बारे में एक बात याद रखो कि भाई जैसे एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट तो कोई भी गवर्नमेंट नॉर्मली 5 साल के लिए बनती है ना, 5 ईयर के लिए। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो, लेकिन हम अमूमन 5 साल का एक ट्रैक लेकर के चलते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट 5 साल तक चली, तो 5 साल में उसे हर साल बजट को पेश करना रहेगा, हर साल का वो बजट पेश करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 साल में वो 5 बार बजट पेश करेगा एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर हर साल का वो बजट पास करेगा, बताएगा कि जैसे कि मान लो 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन जीत कर आए होंगे, 2014 में बीजेपी जब इलेक्शन जीती, तो भाई 2014 से 2015 का बजट पास किया जाएगा और उसे बताया जाएगा पार्लियामेंट में। अच्छा, ये 2007 एक ही साल का बजट रहता है, लेकिन उसे 2014-15 ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड से या जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही बजट को पेश करने की जो डेट थी, डेट वो कब से कब तक रखी गई, जैसे भाई मार्च से लेकर के दूसरे साल के फरवरी, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में सेशन चलता है, कौन कौन सा सेशन, बजट सेशन, बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन, मानसून सेशन, और फिर उसके बाद विंटर सेशन, विंटर सेशन। तो पहला जब जैसे ही साल की शुरुआत होती है, साल की शुरुआत होती है, आता है बजट सेशन, आता क्या है, बजट सेशन, यहाँ पर मैं जी रहेगा, बजट सेशन। ये बजट की शुरुआत होती है मार्च से, इसलिए मार्च का जब लास्ट मतलब मार्च का मंथ आता है तो जितने भी ऑफिस वाले रहते हैं वहां पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्च के बाद एक नया स्टेटमेंट शुरू करना रहता है, एक नई बही खाते को चालू करना रहता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक एक अगर एक गवर्नमेंट की बात करें तो एक गवर्नमेंट 5 साल में 5 बार बजट को पेश करती है। बजट क्या है? एक तरीके का भाषणबाजी है, स्पीच है, जिसमें सरकार अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में बताती है। इस बजट को प्रिपेयर कौन करता है कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या रेवेन्यू आएगा, कहाँ से एक्सपेंस कितना जाएगा, तो इसको तैयार करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है। कितना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, इस बजट को हम क्या करते हैं कि अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो यह है मिस्टर रॉबिन, ठीक है, मिस्टर रॉबिन को जाना है राजस्थान पढ़ाई करने के लिए। रॉबिन को कहाँ जाना है? राजस्थान पढ़ाई के लिए जाना है। तो ये अपने पेरेंट्स से या
पिताजी से, डैड से कहेंगे कि भाई राजस्थान जाने के लिए मुझे एक साल वहां रहना होगा, वहां का खर्चा 1,00,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। उन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया कि मैं वहां जा करके हॉस्टल लूंगा, हॉस्टल के बाद वहां पर मैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, इंस्टीट्यूट का बिल रहेगा, हॉस्टल का खर्चा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? अभी अपने खर्चे के बारे में बता रहे हैं, सारा का सारा एक्सपेंस के बारे में। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान जाकर किसकी पढ़ाई करेंगे? आईएएस की, आईएएस की। और जब आईएएस की पढ़ाई अगर इनकी पूरी हो गई, आईएएस एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, उसके बाद इनकी लगेगी नौकरी और वहां से आएगा पैसा, इनकम। तब वो अपने इनकम के बारे में बताएंगे कि आईएएस बन जाने के बाद मुझे कितना पैसा हर मंथ मिलेगा, कितनी सुख सुविधा मिलेगी। ठीक है, वो अपने रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं, रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो मिस्टर रॉबिन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना बजट दे रहे हैं, बजट। ठीक है, ये अपना बजट दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो बजट के बारे में समझ में आ गया कि बजट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे जब गवर्नमेंट बजट पेश कर देती है तो वो बताती है कि कितना पैसा खर्च होगा और कितना पैसा आएगा। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक साल का, 1 ईयर का, वो 1,00,000 करोड़ है। कितना है? 1,00,000 करोड़। और हमें इतना पैसा चाहिए, 1,00,000 करोड़ रुपया चाहिए, 1,00,000 करोड़ रुपया चाहिए। ये बात वो किसमें बताएंगे? ये बात वो एनुअल बजट, मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहेंगे कि हमारा खर्चा इतना है। ठीक है, 1,00,000 करोड़ का खर्चा होगा। उसके बाद और क्या क्या खर्चा होगा, और क्या क्या खर्चा, अच्छा ये खर्चा कहाँ होगा, जैसे बताएंगे भाई हम इस साल हम मान लो कि यूनिवर्सिटी बनवाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी बनवाने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी बनवाने वाले हैं और कुल 50 यूनिवर्सिटी बनेगी भारत में। ये उन्होंने भाषण में कह दिया, भाषण में कह दिया कि 50 यूनिवर्सिटी बनेगी और इस 50 यूनिवर्सिटी के लिए कितना खर्चा आएगा उसके लिए उन्हें एस्टिमेट बताना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है एस्टिमेट बिल, और इसकी चर्चा आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 113 में एस्टिमेट बिल, इसकी चर्चा है एस्टिमेट बिल। यानी तुम 50 यूनिवर्सिटी बनाने का अपना पूरा एस्टिमेट दो, कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं खर्चा या एक्सपेंस। ठीक है, तो मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि 50 यूनिवर्सिटी बनाने का 1,00,000 करोड़ का खर्चा आएगा, 1,00,000 करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, 1,00,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब जब 1,00,000 करोड़ कह दिया तो उन्हें जो देश का खजाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से 1,00,000 करोड़ निकालना भी होगा। तो क्या ऐसे ही गवर्नमेंट बस बता करके निकाल लेगी? नहीं। अब गवर्नमेंट को अगर ये पूरा पैसा 1,00,000 करोड़ निकालना है तो उसे अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा आर्टिकल 114 में है, अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल को कहते हैं विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक। ये अप्रोप्रिएशन बिल को सरकार पार्लियामेंट में पास कराएगी, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में इसे कम से कम 50% वोट के साथ पास कराना होगा। अगर ये
लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो सरकार को 1,00,000 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1,00,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। एस्टिमेट को, एस्टिमेट को हिंदी में कहते हैं पाकलन, पाकलन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल में, अप्रोप्रिएशन बिल क्या है समझ में आया? अप्रोप्रिएशन बिल तो जितना तुमने एस्टिमेट किया है, ठीक है, जितना एस्टिमेट किया है उसके बारे में, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ अप्रोप्रिएशन बिल में रहेगी। और इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करना होता है। यहाँ गवर्नमेंट ने जितना एस्टिमेट किया है आर्टिकल 113 में, क्या हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है अपोजिशन का, है ना। अपोजिशन मान लो कि किसी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, मतलब वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, तब तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वो 50% वोट के साथ अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवा लेगा। लेकिन अगर सरकार गठबंधन में है तो यहाँ पर अपोजिशन का बड़ा रोल होता है। तू देखे कहीं सरकार 1,00,000 करोड़ 50 यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए ज्यादा तो नहीं मांग रही है, अगर ज्यादा मांग रही है तो कितना कम करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अपोजिशन अलग अलग विधेयक ला सकती है, जैसे कट मोशन वगैरह होता है, तो हम लोग टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या देखा, आर्टिकल 112, 113 और 114। बताओ 112 में क्या है, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको हम लोग नॉर्मली बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट नॉर्मली बजट की चर्चा है। उसके बाद 113 में, 113 में हमने एस्टिमेट बिल, एस्टिमेट बिल, और 114 में, 114 में अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। बताओ बजट को पेश करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट जिसे चाहे या जिसे कह दे वो बजट को पास कर सकता है, वो बजट को पास कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 50 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की मांग करी, लेकिन महंगाई के कारण अब गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि 1,00,000 करोड़ में 50 यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है, 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 50K करोड़ क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट के कहने से ही मिल जाएगा? नहीं, इसके लिए फिर से गवर्नमेंट को एक बिल लाना होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट बिल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की चर्चा आर्टिकल 115 में, आर्टिकल 115 में क्या है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, और सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत सरकार को ये 50,000 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, 50,000 करोड़ मिल जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? सप्लीमेंट्री ग्रांट को कहते हैं अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। इतना क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 112, 113, 114 और 115 के। अब हम समझते हैं कितने टाइप्स के बजट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला आर्टिकल 112 में क्या देखा, बजट, तो कितने टाइप के बजट होते हैं उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल में पूरी तरीके से समझना हो तो और यहाँ समझ लेते हैं। जैसे रॉबिन ने पहले राजस्थान जाने के लिए, रॉबिन राजस्थान जाने के लिए इन्होंने पूरा दिया था बजट, भाषणबाजी करी, बजट के बाद इन्होंने अपना एस्टीमेट दिया, एस्टीमेट दिया कि वहां का मेरा खर्चा आएगा कितना, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। पापा ने कहा कि पूरा एग्जैक्ट बताओ कहां कहां 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा, तो उसके लिए इन्होंने अप्रोप्रिएशन
अप्रोव क्रिएशन बिल लाया, अप्रोप्रिएशन बिल, और वहां पर बताया किस तरीके से उनके ट्यूशन फी, ट्यूशन फी, उसके बाद पीजी का खर्चा, फिर वहां फूड के लिए कैसे कैसे जो है एक एक लाख रुपए पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12 महीने के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए। तो पप्पा ने कहा ठीक है, अगर पप्पा मान गए तो 1 लाख रुपए दे देंगे, और नहीं माने तो कहेंगे अभी जो है आप 80,000 ले जाओ, बाद में मैं 20,000 दूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद अगर उनको, रॉबिन को लगा बाप रे बाप यहाँ तो महंगाई बहुत अधिक है, 1 लाख रुपए में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए फिर से उन्हें क्या लाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, यानी घर पर फोन करना पड़ेगा और पापा को कहना पड़ेगा पापा 20,000 रुपए और चाहिए, यानी टोटल खर्चा इनका कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो उसको रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए हम ऐसे समझ सकते हैं किस तरीके से काम होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब चलते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने टाइप, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। देखो बजट के अमूमन तीन टाइप होते हैं, बजट के अमूमन तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक जिसे हम कहते हैं जनरल बजट, जनरल बजट, दूसरा, दूसरा हम कहते हैं प्रोविजनल बजट, प्रोविजनल बजट, ठीक है, प्रोविजनल बजट, इसी को हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं, इंटरिम, ठीक है, इंटरिम बजट। तीसरा होता है वोट ऑन अकाउंट बजट, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। बजट तीन टाइप, कौन कौन से, जनरल बजट, प्रोविजनल बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, ठीक है। मान लो कि बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, तो 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 2019, ठीक है, 2019, ये 5 साल पूरा होता है गवर्नमेंट का। अब देखो जब भी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हर साल बजट को पेश करेगी, है ना, मैंने बताया मार्च से, इस 2014 मार्च से 2015 मार्च, देखो 2015 फरवरी के लास्ट, मतलब समझ लो मार्च तक, तो मार्च से मार्च का पूरा हम एस्टिमेट लेके चलते हैं, ठीक है, मार्च से मार्च का एस्टिमेट लेके चलते हैं। अच्छा अब 2014 से 2015 के बीच में जो एक साल का पूरा बजट आएगा उसे हम कहेंगे जनरल बजट, क्या कहेंगे, जनरल बजट। 2015 से 2016 के बीच का जो आएगा जनरल बजट, 2016 से 2017 के बीच का जो आएगा जनरल बजट, 2017 से 18 के बीच का जो आएगा जनरल बजट, और 2018 से 19 के बीच का जो आएगा, देखो 19 का जैसे ही साल खत्म होने वाला रहेगा उसी वक्त आ जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन, और गवर्नमेंट पूरे साल भर का बजट नहीं दे पाती है, वो 4 से 5 महीने का ही बजट देती है। ये लास्ट वाला जो बजट होता है उसे ही कहते हैं हम लोग प्रोविजनल बजट, प्रोविजनल बजट, क्या कहते हैं, प्रोविजनल या अंतरिम बजट, समझ में आया। तो एक बात याद रखो कि जब इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के टाइम बजट को पेश किया जाता है, बजट लाया जाता है, उस बजट को हम कहते हैं प्रोविजनल,
प्रोविजनल या इंटरिम। इंटरिम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्या ये इंटरिम बजट पूरे साल भर के लिए होता है? नहीं, ये 4 से 5 महीने का ही होता है। ठीक है, 4 से 5 महीने का होता है। और जब भी बजट पूरे साल भर का पेश किया जाए, पूरे साल भर का दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे जनरल बजट। जनरल बजट, जनरल बजट को हम कहेंगे आम बजट। आम बजट, ठीक है, नंगो बजट मत बोल देना। हाँ, तो जनरल बजट, जनरल बजट। जनरल बजट और प्रोविजनल बजट में कहीं कोई दिक्कत है? प्रोविजनल बजट क्या इलेक्शन के टाइम लाया जाता है या नॉर्मल टाइम पीरियड में? इलेक्शन के टाइम पीरियड में, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पीरियड में। ओके, अच्छा, तो देखो प्रोविजनल बजट और वोट ऑन अकाउंट में ना कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ सिमिलैरिटीज है, उसको समझते हैं डायग्राम के जरिए। जैसे वेन डायग्राम सुना है, मैं ऐसा बनाता हूं, यहां पर एक तरफ मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं इंटरिम बजट, इंटरिम बजट, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं वोट ऑन अकाउंट बजट, वोट ऑन अकाउंट बजट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट। अब देखो ये जो एरिया है वो एरिया है जो कॉमन है इंटरिम बजट में और वोट ऑन अकाउंट बजट। तो पहले मैं कॉमन वाली चीजें बता देता हूं, जैसे 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 कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट दोनों ही इलेक्शन के टाइम पीरियड में लाया जाता है, यानी ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पीरियड में ही दोनों लाया जाता है। दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म यानी 4 से 5 महीने का होते हैं, 4 से 5 महीने का होता है, 4 से 5 महीने का होता है। ये दो सिमिलैरिटीज है, दोनों ही बजट कब आते हैं? इलेक्शन के टाइम पीरियड, इलेक्शन के टाइम पीरियड, और दोनों ही शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क ये है जो इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट में सरकार को रेवेन्यू रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस एक्सपेंस दोनों के बारे में बताना रहता है। जैसे सरकार ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और यूनिवर्सिटी बनवाने का जो खर्चा है जो है 25 लाख, किसी यूनिवर्सिटी बनवाने का खर्चा 25 लाख है। अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद, यूनिवर्सिटी बनने के बाद इससे जो हमें रेवेन्यू आएगा, मैं ये खर्चा यहाँ दिखा रहा हूँ, इससे जो रेवेन्यू आएगा 25 लाख का खर्चा ना एक्सपेंस की तरफ दिखा रहा हूँ, क्या कहा कि 25 लाख का खर्चा है एक यूनिवर्सिटी बनवाने में, ठीक है, और जब यूनिवर्सिटी बन जाएगा, बच्चे पढ़ने लगेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा हमें हर साल 10 लाख का, हर साल 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इंटरिम बजट में सरकार अपने इलेक्शन के टाइम लोगों को बड़े बड़े वादे करती है और उन्हीं वादों के लिए कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती है। जैसे कि किसी एरिया में अगर गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर बनवा देते हैं तो यहाँ से हमें काफी वोट मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर वादा कर देगी बजट में कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, और पार्लियामेंट में कहेगी कि यूनिवर्सिटी को बनवाने में 25 लाख का खर्चा आएगा और जब यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो हर साल हमें रेवेन्यू जनरेट होगा 10-10 लाख, और फिर पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो ये इंटरिम बजट में किया जाता है। लेकिन लेकिन अगर वोट ऑन अकाउंट बजट लाया जा रहा है उसमें सिर्फ खर्च के बारे में बताया जाएगा, ओनली एक्सपेंस, ठीक है, ओनली एक्सपेंस, रेवेन्यू के बारे में नहीं बताया जाएगा, रेवेन्यू के बारे में नहीं बताया जाएगा। जैसे मान लो इलेक्शन का माहौल है
और अभी कुछ ही दिन पहले चाइना ने गलवान घाटी पर अटैक किया था, तो गवर्नमेंट सोची क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम पीरियड में ये बजट ला दिया, बजट में कह दिया कि हमें रशिया और यूएसए के साथ बहुत सारे गन्स खरीदने हैं, वेपन्स खरीदने हैं, ताकि हम चाइना को टैकल कर सके। तो वेपन खरीदने में पैसा जाएगा, लेकिन क्या उससे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं। तो वेपन खरीदने में, यहां लिख देता हूँ कि वेपन खरीदने में मान लो कि 4 लाख करोड़ का खर्चा चला गया, 4 लाख करोड़ का खर्चा चला गया, और इससे हमारे रेवेन्यू कुछ जनरेट कितना होगा? कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो इसके बारे में गवर्नमेंट नहीं बताएगी। इस बजट को जिसमें सिर्फ एक्सपेंस के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसे हम वोट ऑन अकाउंट का बजट कहते हैं। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? तो जो इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट को पास कराने के लिए 50% वोटिंग की जरूरत पड़ती है, 50% वोटिंग। ठीक है, पार्लियामेंट से 50% वोटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी सरकार को अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन वोट ऑन अकाउंट बजट में सरकार को कोई अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत नहीं रहती है, नो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, समझा? इंटरिम बजट को कभी कभी, मतलब कि नॉर्मली हम मिनी बजट भी कहते हैं, मिनी बजट, और वोट ऑन अकाउंट बजट को हम एडवांस बजट कहते हैं, एडवांस बजट। ठीक है, एडवांस बजट, यानी यहाँ पर पैसा एडवांस में ले लिया जाता है, उस पैसे का ज्यादा कुछ हिसाब देना नहीं पड़ता है, मतलब कि कहाँ पर खर्चा कर दिया वो दिखा देंगे, लेकिन कितना आएगा वो नहीं दिखाएंगे, उन्हें पार्लियामेंट से पास कराना है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट में फर्क समझ में आया क्या? बताओ बजट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? बजट की चर्चा है आर्टिकल 112 में, लेकिन वोट ऑन अकाउंट बजट पूछेगा तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 116 में। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बजट, इसको हिंदी में कहते हैं लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। ठीक है, लेखा अनुदान बजट, लेखा अनुदान बजट, लेखा अनुदान बजट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारा पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 116। इसमें किसकी चर्चा है? बजट एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट, 13 में एस्टीमेट, 14 में अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, 15 में सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, और 16 में वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।